हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट स्मिता। वेलकम टू कालीमिर्च। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं तमिलनाडु के चेट्टीनाड रीजन की एक पॉपुलर स्नैक रेसिपी, मसाला इडली फ्राई। वैसे ऑथेंटिक रेसिपी कुछ बेसिक स्पाइसेस के साथ ही बनाई जाती है, पर हम इसे थोड़ा और चटपटा बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं मसाला इडली फ्राई। मसाला इडली फ्राई हम बना रहे 3 से 4 लोगों के लिए। इसके लिए हम लेंगे 10 से 12 इडली। आप फ्रेश इडली या फिर बची हुई इडली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, ये वजन में लगभग 150 ग्राम है। 1 बड़ा टमाटर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, लगभग 100 ग्राम। 1/4 कप फ्रेश धनिया बारीक कटा हुआ। कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून, राई 1 टीस्पून, जीरा 1/4 टीस्पून, हींग चुटकी भर, मेथी दाना 1 टीस्पून, उड़द दाल आधा टीस्पून, हल्दी 8 से 10 कड़ी पत्ता, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और स्वादानुसार नमक। सबसे पहले हम इडली को काट के तैयार करेंगे। इडली को हम कुछ इस तरह से 4 टुकड़ों में काटेंगे। हमें बहुत छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, नहीं तो स्टर फ्राई करते वक्त इडली जल्दी टूट सकती है। दोस्तों, कभी कभी इडलियां बहुत बच जाती है और बासी इडली खाने का किसी का मन नहीं करता, तो लेफ्ट ओवर इडली का इस्तेमाल आप इस रेसिपी में कर सकते हैं। मसाला इडली फ्राई बनाने के लिए कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून तेल गरम किया है। तेल में डाल देंगे राई, जीरा, हींग, मेथी दाना, उड़द दाल, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च। आइए अब डाल देते हैं कटा हुआ प्याज। प्याज को हम नरम होने तक भून लेंगे। धीमी आंच पर 5 मिनट में प्याज नरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और थोड़ा कटा हुआ धनिया। इन्हें साथ में भून लेंगे। आइए अब डाल देते हैं कटे हुए टमाटर। अब हम डालेंगे सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक। टमाटर को हमें पूरी तरह से गलने तक पकाना नहीं है, हमें इन्हें सिर्फ नरम होने तक पकाना है। हमने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हम आंच धीमी करेंगे और टमाटर को ढककर पकाएंगे। धीमी आंच पर 4 मिनट तक हमने टमाटर को ढककर पकाया है। देखिए दोस्तों, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे इडली और इसे मसाले से कोट करेंगे। इडली को हमने मसाले से कोट कर लिया है। अब हम आंच धीमी करेंगे और इडलियों को कुछ मिनट तक ढककर पकाएंगे। लगभग 2 मिनट तक हमने इडली को ढककर पकाया है। यह अभी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा कटा हुआ धनिया। इन्हें एक साथ मिक्स कर लेंगे। हमारी मसाला इडली फ्राई तैयार है। आइए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। दोस्तों, हर सुबह ब्रेकफास्ट के साथ मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद है। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करना पसंद करते हैं, हमें जरूर बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर kalimirchbysmita.com पर। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्नैक्स रेसिपीज जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करना भूलिएगा मत। हमारे रेसिपीज के नोटिफिकेशंस और चैनल के रेगुलर अपडेट्स इसके जरिए आपको मिलते रहेंगे। सो सब्सक्राइब नाउ एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग। बाय बाय।